झारखंड में पारा शिक्षक बने सहायक शिक्षक, अब एक मांग वेतन मान पर हो रही है चर्चा। आपको याद होगा पारा शिक्षक चुनाव के समय लाठीचार्ज के बाद सुर्खियों में रहा है। हवा का रुख देख वर्तमान हेमंत सरकार ने इन्हें सहायक शिक्षक की उपाधि दी। उस समय खूब मिठाइयां बांटी गई एवं नेताओं को सम्मानित करने का दौर भी चला, परंतु अब ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम एक मांग वेतन मान को लेकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। गोविंदपुर के बेसिक स्कूल में इन लोगों की बैठक हुई, क्या है इनकी मांग, आइए आपको सुनाते हैं। एक मांग वेतन मान, एक मांग वेतन मान, एक मांग वेतन मान। देखिए, आज राज्य में हेमंत सरकार है। निश्चित रूप से इस सरकार को लाने में राज्य के 62,000 पारा शिक्षक और उसका परिवार का अहम भूमिका है। हमने बहुत आशा और विश्वास के साथ में हेमंत सरकार का गठन किया कि ये हमारे बहुत पुराना मांग, आज 20 वर्ष जिससे जो हमारा पुराना मांग रहा है, एक मांग वेतन मान, ये हमें पूरा देने का काम करेंगे। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि बड़ी अधिकारियों द्वारा हम लोग को छलने का काम किया जा रहा है। सरकार चुनाव पूर्व हर सभा में कहती थी कि पारा शिक्षक का को स्थायीकरण करते हुए हम एक मांग वेतन मान देंगे, लेकिन आज 3 वर्ष बीत गए, आज भी पारा शिक्षकों की स्थिति दयनीय है। हमें केवल स्थायीकरण के सिवा और कुछ नहीं मिला। हमारा मुख्य मांग वेतन मान है, जो वर्तमान सरकार को देना होगा। वेतन मान चाहिए झारखंड सरकार को। हम लोग बहुत कठिन ये करके लाए हैं, और ख़ास करके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर बहुत ही भरोसा था, पर वो भरोसा धीरे धीरे वो तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो पार्टी में नहीं थे तो हम लोग के साथ थे। जब उनके हाथ में ही शिक्षा विभाग है तो फिर आके पीछे क्यों हट रहे हैं? लेंगे तो उन्हीं से लेंगे, और देना उनको पड़ेगा, चाहे जिस तरीका जो भी हो। मैं कार्यरत सभी पारा शिक्षकों की एक ही आस थी कि जब से हमारे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो हम लोगों का कल्याण होगा, और इस कल्याणार्थ के लिए उन्होंने एक कमेटी तो गठित की है, उसमें उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को डाला है, जिसमें से जो है अनुकंपा एक कड़ी है। और उस अनुकंपा में, अनुकंपा का मतलब होता है कि मृत परिवार को कल्याण करने के लिए। तो कल्याण का मतलब तो ये नहीं है कि कल्याण जो है उसके योग्यता के आधार पर हो, उस परिवार की भरण पोषण के लिए किस तरह से सरकार सोच रही है, इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए, ना कि योग्यता आधारित जो अगर कल्याण होगा तो हमारे झारखंड के कितने लोग योग्यता रखते हैं ये सरकार को भी भली भांति मालूम है। इसलिए सरकार से हम लोगों का यही विनम्र निवेदन होगा कि जो भी कल्याण कोष के बारे में बात हो, जो भी अनुकंपा पर आधारित बात हो, वो अनुकंपा के लिए जो है योग्यता ना देख कर, बल्कि परिवार का एक सदस्य को किसी भी पद पर, चाहे वो जिस पद के लायक हो, मरणोपरांत उस परिवार की रोजी रोटी चल सके, इस बात का सरकार ध्यान रखे।